शिमला मिर्च करीब 10 से 12 किलो की भर्ती रहती है और इसका रेट अभी 150 रुपये पन्नी चल रहा है। हमारा ये खीरा है बस लास्ट चल रहा है, ये 18 रुपये किलो में बिक रहा है। तो अभी अच्छी डिमांड रही खीरे की, 18 रुपये किलो में बिका है। 500 रुपये बोरी आएगी बस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे ब्लॉग में। मैं हूं कासिम खान और आप देख रहे हैं ब्लॉग इन इंडियाज। और अभी हम खेतों के बीच में खड़े हुए हैं। अभी हमारी ये पिकअप खड़ी हुई है पीछे, ये दिख रही है आपको, ये लोड होकर जा रही है यहां से जबलपुर। इसमें ककड़ी लोड होंगे और शिमला मिर्च लोड होंगी। तो आज हम खुद ही आए हैं यहाँ पर, ड्राइवर नहीं रहा हमारा पिकअप का, तो लोड लेने के लिए आए हैं और फिर वहाँ से आगे से फिर हमारा ड्राइवर लेके जाएगा इस पिकअप को। तो आज का ब्लॉग बस यही शिमला मिर्ची और खेत का पूरा हम दिखाएंगे यहाँ का, कैसे लोड होती है, कहाँ बिकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो यहाँ ककड़ी लोड हो रही है, यहाँ पर पैक हो रही हैं ककड़ियाँ। ये वो ककड़ी, हम इसको टेस्ट भी करें खा के, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। और यहाँ पर तौल के यहाँ पे पैकेट बनाए जा रहे हैं और पिकअप में फिर यहाँ पर लोड हो रहा है। 22 किलो मतलब 20 किलो 22 किलो की पैकिंग है। तो ये पूरा खेत है इनका, यहाँ से माल लोड होकर जाना है जबलपुर, जबलपुर मंडी मिलाना है हमको अभी रात पे। ये पूरा खेत इनका है, यहाँ मजदूरें भी लगे हैं, तोड़ाई चालू हो ककड़ी की पूरी। और दो जगह से लोड होनी है गाड़ी, अभी यहाँ से होना है और फिर मेन जगह से इनकी लोड होना है। गाड़ी में कम से कम 200 पैकेट जाना है और अब देखते हैं कितनी लोड होती है, फिर पता चल जाएगा लोड होने के बाद। राइट ड्राइवर नहीं रहा तो हम खुद आए हैं साथ में लोड कराने के लिए। कांटा भी आपको दिखाएगा नहीं मोबाइल पे, आप दिख नहीं रहा है। 20 किलो 22 किलो समथिंग की पैकिंग चल रही है यहाँ पे। अभी बच्चे लोग लगे हैं पैकिंग करने, खाली यहाँ काम नहीं करते ये छोटे बच्चे, मगर अभी आए हुए हैं साथ में तो थोड़ी सी मदद करा रहे हैं लोड करने में। यहाँ से माल लग चुका है, अब दूसरी जगह जा रहे हैं माल लादने के लिए गाड़ी में। यहाँ से हो चुकी है लोडिंग, अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, हम ये वही ट्रैक्टर जिस पे हमने शॉर्ट्स वीडियो बनाए थे यूट्यूब के लिए और बहुत वायरल हुआ था वो शॉर्ट्स वीडियो, और फिर वहीं पर हम खड़े हुए हैं। हमारे पीछे अभी यहाँ सेकेंड बार लोड हो रही है हमारी पिकअप, देख रही होगी आपको पीछे, और करीब 230 पैकेट लोड होनी है। एक पैकेट का वजन रहता है 20 किलो से ऊपर रहता है, मतलब 21 किलो करीब। और ये पूरा प्लांट है 65 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ से माल लोड होकर फिर सीधे रायपुर मंडी जाता है। अभी फ़िलहाल तो जबलपुर मंडी जा रहा है, लेकिन रेट कम हो गया है और पूरा ककड़ी जा रहा है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ से माल मतलब 100% लोड हो गई है गाड़ी हमारी और फिर चल रहा है यहाँ से। अभी घाट भी पड़ेगा आगे बहुत, तो वहाँ से घाट चढ़ने के बाद फिर आगे चलते हैं और फिर ड्राइवर को गाड़ी देते हैं, फिर वहाँ से ड्राइवर गाड़ी लेके आगे जाएगा मंडी तक। तो ये रहा बिल हमारा, वो गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है पूरी, फुल लोड हो गई है। तो 230 पैकेट नहीं, 150 पैकेट ही जा रहे हैं इस पर, फुल भर गई गाड़ी। 20 से 21 किलो की भर्ती है पैकिंग की, 3 टन माल हो चुका है और फुल लोड हो गई गाड़ी हमारी डाला तक ऊपर तक, ये पूरा दिखा रहे हैं हम आपको। इसके बाद यहाँ से निकल रहे हैं हम बाहर, और पर्ची भी मिल गई है हमको जहाँ जाना है, एड्रेस भी हमें। और इसके बाद थोड़ा सा घाट पड़ेगा आगे, उसकी थोड़ी सी वीडियो में दिखाऊंगा, काहे कि फिर मोबाइल पकड़ते नहीं बनेगा घाट में गाड़ी चलाएंगे तो। और बस यहाँ से हम निकलने वाले हैं, थोड़ी सी व्यवस्था कर लेते हैं, रस्से अच्छे लगा लेते हैं, ज़्यादा रास्ता नहीं लगा रहे, पीछे बस लगा रहे हैं बस, हो गए। और उसके बाद फिर सीधे यहाँ से निकल रहे हैं हम बाहर, और घाट पहुँच चुके हैं हम। आगे तक दिखाता हूँ आपको, बस उस मोड़ तक थोड़ा सा कच्चा रास्ता है और बहुत ही खतरनाक घाट है, यहाँ स्पीड से चढ़ाना पड़ेगा गाड़ी को, 3 टन लोड है इसलिए। तो अभी हम पहुँच गए हैं मंडला और अभी बज रहे हैं रात के 11। हमने डीजल का ड्रम भी रखा हुआ है, जेसीबी के लिए डीजल ले जाएंगे लौटते में, क्योंकि खाली लौटेंगे, सिर्फ कैरेट भर रहेंगे। और ड्राइवर नहीं था तो हम खुद जा रहे हैं साथ में, मेरा एक दोस्त है वो भी जा रहा है साथ में। गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों मिलकर चला लेंगे। और हमें सुबह करीब 4 बजे तक पहुँचना है मंडी में,
कुछ ट्रक जो हमें रास्ते में मिले थे ये भी मंडी जा रहे हैं, इनमें भी कुछ कच्चा माल लोड है। तो बस हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके थे और बस निकलने वाले हैं यहाँ से, हमें पहुँचना है फिर और दिखाएंगे फिर आगे मंडी का वीडियो। तो ठीक है निकलते हैं फिर। सुबह टाइम हो चुका है यहाँ पे और ये पुल है, यहाँ पर नदी है थोड़ी सी और यहाँ पे एक हादसा हुआ है कुछ दिन पहले, मतलब एक दिन पहले का, ये गाड़ी पड़ी है यहाँ पे रोड पे, बहुत भीषण हादसा हुआ है, दो हिस्से में गाड़ी बढ़ चुकी है यहाँ पे। इसमें लोहे की रॉड लगी थी बड़ी वाली, मतलब चैनल लगे थे, वो बाहर निकल के फेंकाए हैं यहाँ। एक गाड़ी का केबिन हटे टाटा का ट्रेलर रहा, इसमें बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ है, केबिन यहाँ पड़ा हुआ है और चेचेस यहाँ पड़ी है, देखो चेचेस और ट्रेलर पीछे इतनी दूर पड़ा हुआ है। इस गाड़ी में मेरे को लगता है कि ड्राइवर जो भी रहा होगा गाड़ी के अंदर उसका बचना तो नामुमकिन है, कोई नहीं बचा होगा इस पर, बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ है। ये ट्रेलर इतनी दूर है और केबिन बहुत आगे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा है केबिन, दिखा देता हूँ आपको, बहुत पीछे वो पड़ा पीछे। तो बस हम बस पहुँचने ही वाले हैं मंडी और फिर दिखाते हैं आगे आपको। तो माल हमारा आधा बिक चुका है, थोड़ा ही बचा है 10-20 पैकेट और सुबह का समय है, करीबन 5:30 बज रहे हैं अभी और बाकी वीडियो हमने बना नहीं पाया क्योंकि बहुत थक गए थे, सो रहे थे। तो यहाँ पे मान के चलो 2 घंटों में लाखों का बिजनेस होता है, 2 घंटे में लाखों रुपए का बिजनेस होता है, लाखों से और करोड़ों रुपए का बिजनेस हो जाता है पूरा मार्केट अगर मिलाएं तो, मंडी का 2 घंटे में पूरी गाड़ी खाली, पैसा लो निकलो सीधे, मतलब फार्मिंग का काम बहुत अच्छा है, अगर लग काम कर गया तो लाखों में खेलेंगे। बस थोड़ी 10-20 पैकेट बची हुई हैं, फिर इसके बाद निकलने वाले हैं हम। तो दोस्तों अभी हम हैं जबलपुर मंडी के अंदर, सब्जी मंडी यहाँ पे, और अभी हम जो भर के लाए थे खीरा, मतलब ककड़ी को लेके आए थे यहाँ पे, तो 18 रुपये किलो में वो यहाँ पे बिक गया पूरा माल और हाई डिमांड के साथ यहाँ माल खाली हो गया, पूरा पिकअप खाली हो गई और हाई डिमांड के साथ यहाँ माल बिका है इस मंडी पर। और हमारी हालत देख लो, अभी पूरी रात गाड़ी चलाए हैं तो बिल्कुल आग गड़ रही है, बिल्कुल सोना है हमें। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अब निकलना है घर के लिए, तो गुड बाय फिर।